हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लीगल रूल्स एज टू ऑफर्स, या हम इसको कह सकते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। दैट मींस एक ऑफर में किन एसेंशियल्स की प्रेजेंस से वो एक वैलिड ऑफर बनेगा। सो द फर्स्ट एसेंशियल इज इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनाइट एंड नॉट वेग। सर्टेन मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए ऑफर, डेफिनाइट होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए। वेग मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर ऑफर नहीं होना चाहिए। जो ऑफर है वो क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, जो दोनों पार्टीज हैं वो क्लियर होनी चाहिए जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होंगी ड्यू टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक ऑफर वेग है तो वो क्लियर मीनिंग ही नहीं कन्वे कर पाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक इंसान था ए, उसने बी को 100 टन्स ऑफ ऑयल ऑफर किया बेचने के लिए, 100 टन्स ऑफ ऑयल। अब बस ऑफर इतना ही था। अब ये ऑफर अनसर्टेन या वेग या अनक्लियर इसलिए है क्योंकि इस ऑफर में काइंड ऑफ ऑयल जो उसने बेचना है वो मेंशन ही नहीं किया गया। ऑयल मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, ऑयल कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, ऑलिव ऑयल भी हो सकता है। देयरफॉर जो हमारा ऑफर था वो क्लियर नहीं था। ऑफर हमको इस तरह से प्रपोज करना है कि जिसको हम ऑफर प्रपोज कर रहे हैं उसके माइंड में कोई क्वेरी ना रहे, कोई क्वेश्चन ना रहे। सो हमारा जो ऑफर है वो सर्टेन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट इज इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। हमने पहले भी बात करी थी, दो लोग होते हैं, एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी। जो इंसान ऑफर प्रपोज करता है वो ऑफरर होता है, जिसको वो प्रपोज करता है वो ऑफरी होता है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक इंसान है ए, वो अपनी बाइक बेचना चाहता था 1000 रुपीज़ में किसको, बी को। उसने ऑफर प्रपोज किया बी को, बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट किया। तो इस केस में ए ने ऑफर प्रपोज किया था तो वो ऑफरर हुआ, और बी ने बी को ऑफर मिला था तब उसने एक्सेप्ट किया, देयरफॉर बी ऑफरी हुआ। तो ये कह रहा है जो ऑफर है मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। ऑफरी को पता होना चाहिए भाई ऐसा कुछ ऑफर हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक इंसान था ए, उसको अपनी घड़ी बेचनी थी। तो ए ने एक लेटर लिखा बी को कि मुझे अपनी घड़ी बेचनी है 200 रुपये में, और वो लेटर कभी उसने पोस्ट ही नहीं किया। जो जिसको उसने लेटर पोस्ट ही नहीं किया, क्या वो एक वैलिड ऑफर माना जाएगा? क्यों? क्योंकि यार उसको तो पता ही नहीं था, ऑफरी को तो उस ऑफर की एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं पता था, ही वॉज नॉट अवेयर। देयरफॉर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ऑफरी मस्ट बी कम्युनिकेटेड कि कुछ ऐसा ऑफर दिया गया है, तभी वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। सो द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज इट मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। वो कह रहा है जो पार्टी ऑफर प्रपोज कर रही होगी उसका हमेशा इंटेंशन ये होना चाहिए ताकि वो दूसरी पार्टी का असेंट, ताकि वो दूसरी पार्टी का अप्रूवल, ताकि वो दूसरी पार्टी का एक्सेप्टेंस ले पाए। इस इंटेंशन से उसको ऑफर प्रपोज करना चाहिए, तभी एक ऑफर वैलिड ऑफर बन पाएगा। Therefore, it is also one of the essential element for an offer to become a valid offer. The next essential element is it may be conditional. किसकी बात कर रहा है? Offer की बात कर रहा है। Offer may be conditional. Offer में conditions involved हो सकते हैं। एक example लेते हैं। एक इंसान था A, वो illiterate था, that is उसने ज़्यादा education नहीं ली थी और वो पढ़ नहीं सकता था, ठीक है। वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था और उसने ट्रेन की एक टिकट ली। ट्रेन की टिकट के फ्रंट पे प्रिंट हुआ था फॉर कंडीशंस सी बैक, कंडीशंस देखने के लिए पीछे देखें। बट सिंस अभी हमने बात करी ही वॉज इलिटरेट, वो पढ़ नहीं सकता था, तो उसको वो समझ नहीं आया। इन कंडीशंस में एक कंडीशन ये थी कि रेलवे कंपनी वुड नॉट बी लाइबल ड्यू टू अगर किसी इंसान को पर्सनल इंजरीज हो जाती हैं वाइल ट्रैवलिंग। तो रेलवे कंपनी वोंट बी लाइबल, रेलवे कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। बट ए तो इलिटरेट था, उसको तो उसने ये सब कुछ नहीं पढ़ा। अब क्या हुआ, अब उसी दौरान जब वो ट्रैवल कर रहा था कुछ एक्सीडेंट हुआ और ए इंजर हो गया। अब
ए जो है वो अपने डैमेजेस रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि जो उनके बीच में ऑफर था वो कंडीशनल था, और यही कंडीशन थी कि अगर वो इंजर हो जाएगा तो वो अपने डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएगा। सो दैट मीन्स ऑफर कैन बी कंडीशनल, और अगर ऐसा ऑफर एक कंडीशनल ऑफर है और पर्सन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑफर को, तो वो प्रज्यूम कर लिया जाता है कि वो कंडीशंस जो अटैच हैं उस ऑफर से उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक ऑफर जो है वो कंडीशनल भी हो सकता है। द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ, ऑफर में कोई ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसकी अगर वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो हम उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस समझ लेंगे। क्या मतलब हुआ, सपोज एक इंसान था ए, उसने बी को कहा भाई मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ अपने घर को बेचने के लिए ₹40,000 में, लेकिन अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स नेक्स्ट मंडे तक नहीं आया तो मैं एज्यूम कर लूँगा कि तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा नहीं होता। देयरफॉर अगर एक ऑफर को एक वैलिड ऑफर बनना है तो उसमें कोई ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए कि अगर पर्टिकुलर टर्म की अगर कंप्लायंस नहीं हुई तो उसको हम ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस समझ लेंगे। द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज लैप्स ऑफ एन ऑफर। लैप्स होता है ऑफर की एक्सपायरी, ऑफर कब एंड कर जाएगा। ऑफर एंड कर सकता है या तो ऑफरर या तो ऑफरी की डेथ हो जाए बिफोर एक्सेप्टेंस, ऑफरी के एक्सेप्टेंस देने से पहले ही ऑफरर या ऑफरी की डेथ हो जाए, या इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम स्पेसिफाई किया हुआ था उसके दौरान उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तब भी ऑफर एक्सपायर हो सकता है, या विद इन अ रीजनेबल टाइम अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया। ऑफर तब भी लैप्स हो सकता है अगर एक्सेप्टेंस वैलिड ना हो, दैट मीन्स जो ऑफरी था वो काउंटर ऑफर दे रहा है या कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहा है। काउंटर ऑफर एज इन मैंने कहा मैंने अपना घर 40,000 में बेचना है, ऑफरी कह रहा है भाई मैं 35,000 दूंगा, दिस इज़ तुमने काउंटर एक ऑफर दे दिया, या कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफरी दे रहा है कि भाई मैं तुम्हारा ऑफर तो एक्सेप्ट कर लूँगा अगर तुमने मेरी ये कंडीशंस फुलफिल कर दी। इन केसेस में एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं रहेगी और ऑफर अपने आप लैप्स हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। या एक और चीज़ हो सकती है, वैलिड एक्सेप्टेंस तब हो सकती है सपोज एक इंसान था ए, उसने अपना ऑफर दिया और कहा कि जो इंसान इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है वो वाया मेल अपनी एक्सेप्टेंस भेजे, बट बी एक इंसान था उसने अपनी एक्सेप्टेंस वाया लेटर भेज दी, तो क्या मोड ऑफ एक्सेप्टेंस जो उसने रिक्वेस्ट करी थी उसमें दिया नहीं, इस हिसाब से जो बी की एक्सेप्टेंस थी वो वैलिड नहीं रही, देयरफॉर वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं रही सो ऑफर अपने आप लैप्स कर गया। सो लैप्स ऑफ ऑफर इन सब केसेस में हो सकता है। सो फाइनली द लास्ट एसेंशियल एलिमेंट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर दो अलग चीज़ें हैं, हमको इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। इन्विटेशन टू ऑफर तो हमको पता है क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, जब गुड्स डिस्प्लेड होती हैं एक शॉप में उनके प्राइस टैग्स जब लगे होते हैं उनके साथ, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। तो लास्ट एसेंशियल एलिमेंट कह रहा है हमको इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर को कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। So these were the legal rules as to offers, or we can say essential elements of a valid offer. I hope you guys liked this video. If you did, don't forget to subscribe my channel and like, share, comment to banta hai yaar. Thank you so much.